गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय सेल्फ जनसार किशोर फ्रॉम नवकार इंस्टीट्यूट। टुडे आई विल टीच लेटर राइटिंग। इन लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन यू द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। नाउ लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। द फर्स्ट लेटर, राइट अ लेटर टू अ कस्टमर, मेसर्स एबीसी इलेक्ट्रिकल कंपनी टू रिलीज द आउटस्टैंडिंग पेमेंट अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स। तो हमें मेसर्स एबीसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को, जो हमारा कस्टमर है, उसको लेटर लिखना है। लेटर किसके बारे में लिखना है कि हमारा जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट, यानी हम जो पेमेंट मांग रहे हैं, यानी ऑलरेडी हमने माल क्या किया है, बेचा है, उन्होंने परचेस किया है, तो उन्होंने जो परचेस किया था तो उसके सामने जो पेमेंट देना है उसके बारे में हमें क्या करना है, लेटर लिखना है। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा, एड्रेस। ओके, 15/1703 GIDC फेज़ 1 वटवा, अहमदाबाद 38245, February 12, 2017। ओके, अभी ये जो लेटर है वो फॉर्मल लेटर है। क्यों? क्योंकि हमें अपने कस्टमर को लेटर लिखना है। तो पहला एड्रेस जो इंसान लिखता है उसका, सेकंड एड्रेस किसका आएगा, जिसको हमें लेटर लिखना है। तो टू मिस्टर गोयनका, द मैनेजर अकाउंट्स, मेसर्स एबीसी इलेक्ट्रिकल कंपनी। ओके, किसका एड्रेस लिखा है हमने, एबीसी इलेक्ट्रिक कंपनी। जो मेन, जो मैनेजर अकाउंट है उसका नाम है मिस्टर गोयनका, और उसके बाद हम लिखते हैं अलकापुरी, दैट इज़ अ एरिया। ओके, नाउ वडोदरा, दैट इज़ अ एड्रेस 39007। ये जो एरिया है वो एरिया हमने क्या किया, मेंशन कर दिया। नाउ सब्जेक्ट क्या है, रिलीज टू लॉन्ग ओवर ड्यू पेमेंट। रिलीज करो, यानी हमने ऑलरेडी आपको जो गुड्स बेचा है उसका पेमेंट बहुत ज़्यादा बाकी है, तो आप उसको क्या करो, रिलीज़ करो, यानी धीरे धीरे देना स्टार्ट करो। यानी इन शॉर्ट, जैसे हमारा पेमेंट रुक गया है तो उसको रिलीज़ करो। तो रिलीज ऑफ लॉन्ग ओवर ड्यू पेमेंट, डियर मिस्टर गोयनका, This is to bring to your kind notice that there is an outstanding payment of ₹2,45,000. तो this is to bring your kind notice, ये आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हमारा जो outstanding payment है, जिसकी amount कितनी बोली है, 2,45,000। ओके, तो इतना हमारा outstanding है। outstanding यानी that means ये जो, ये जिसने परचेज़ किया है, जो मिस्टर गोयनका है, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई आपने हमारे यहाँ से 2,45,000 का गुड्स आपने ऑलरेडी परचेस कर दिया, इतना हमारा आउटस्टैंडिंग बोल रहा है। एज पर आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, ये किसके हिसाब से बोल रहा है, हमारी जो बुक्स है, यानी हमने जो एंट्री की है उसके हिसाब से इतना अमाउंट बोल रहा है। दिस पेमेंट इज़ ऑलमोस्ट 90 days old, और ये जो पेमेंट है वो अभी का नहीं है, कितने दिन का बोला है, 90 days, दैट मीन्स 3 months कम्प्लीटेड। 90 days, दैट मीन्स 3 months कम्प्लीटेड, यानी 3 महीने से ये हमारा अमाउंट क्या है, आपके वहाँ पर बोल रहा है। काइंडली नोट दैट द एग्रीड पेमेंट टर्म विथ योर एस्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन इन 30 days। अभी उनका जो, ये लोग एग्री हुए थे कि भाई आपका हम जो पेमेंट है वो धीरे धीरे लेंगे, लेकिन उनको टाइम क्या दिया था, टाइम लिमिट 30 days की। दैट मीन्स आपको 30 days में आपका पेमेंट क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। लेकिन ये कितने दिन हो गए, 90 days हो गए, यानी 90 days से उन्होंने अभी पेमेंट पे किया नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, लेटर लिखा है। तो बोले हम एग्रीड थे। ओके, काइंडली नोट दैट द एग्रीड पेमेंट टर्म विथ योर एस्टीम ऑर्गेनाइजर, आपकी जो एस्टीम ऑर्गेनाइजर है उससे हमारा एग्रीमेंट था कि हम 30 days में क्या करते, कलेक्शन लेते। वी हैड रिटर्न अ लेटर ऑफ रिमाइंडर लेटर टू यू आफ्टर द कम्प्लीटेशन ऑफ क्रेडिट पीरियड एंड सब्सिक्वेंटली 2 more letters। तो हमने आपको पहले भी, ये रिमाइंडर लेटर है, आपको उससे पहले भी हम 2 letters क्या कर दें, लिख चुके हैं, बट वी haven't received any reply from you, लेकिन आपसे हमें कोई भी रिप्लाई मिला नहीं, यानी आगे भी हम 2 letters लिख चुके हैं लेकिन उसका आपने कोई रिप्लाई दिया नहीं है।
यानी दो जो लेटर लिखे उसका रिप्लाई नहीं मिला, इसलिए उन्होंने क्या लिखा, ये तीसरा लेटर लिखा है। मेसर्स एबीसी इलेक्ट्रिकल कंपनी हैज ऑलवेज बीन अवर ए लिस्ट कस्टमर ड्यू टू इट्स स्मूथ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड कॉमर्शियल टर्म्स। तो ये जो आपकी कंपनी एबीसी इलेक्ट्रिकल कंपनी, ये हमारी ए लिस्ट, यानी कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि ये जो सेलर है वो क्या करते हैं, कस्टमर को ग्रेड देते हैं कि ए बी सी, ए यानी जो कस्टमर से जब भी पैसे मांगे यानी टाइम पर उनके पैसे मिल जाते, बी ऐसी होती है भी जिसको एक दो बार रिमाइंड कराना पड़े, सी कंपनी ऐसी होती है जिसको तीन चार बार रिमाइंड कराना पड़ता है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक मार्किंग भी होती है। तो उन्होंने बताया कि आपकी जो कंपनी है ये एबीसी इलेक्ट्रिकल कंपनी, ये हमारी ए लिस्ट में है। ए लिस्ट में यानी मीन क्या हुआ कि हम इफ़ वी रिमाइंड कि भाई आपका पेमेंट ड्यू हो गया, आपको पे करना है, तो विद इन वन और टू डेज डेफिनेटली वी विल गेट द रिप्लाई और आई थिंक वी विल गेट द मनी। ओके, यानी उसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा। और ए लिस्ट कस्टमर ड्यू टू इट्स स्मूथ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड कॉमर्शियल टर्म, आप अपनी कॉमर्शियल जो टर्म है और आपका जो बिजनेस है बहुत ही स्मूथ है ट्रांजेक्शन, इसकी वजह से आपको हमने ए लिस्ट में रखा है। वी अंडरस्टैंड दैट द कंपनी इज अंडरगोइंग मैसिव चेंज इन इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू द मर्जर विथ सिंक इलेक्ट्रिकल्स। हम जानते हैं कि आपकी कंपनी में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हो गया, क्यों, क्योंकि आपके साथ मर्ज हो गई कई कौन सी कंपनी, सिंक इलेक्ट्रिकल्स, ये दोनों कंपनी क्या हो गई, मर्ज हो गई, कि जिसकी वजह से बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन क्या हो गए, चेंज हो गए। हाउएवर फिर भी वी वुड लाइक टू यू अंडरस्टैंड दैट वी ऑल्सो नीड कैपिटल टू मीट अवर बिजनेस नीड्स। तो फिर भी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें भी पैसे की जरूरत है, किसके लिए, क्योंकि हमें भी आगे बिजनेस जो दूसरा करना है, तो पैसे जैसे रिलीज हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, आगे बिजनेस कर सकते हैं। ओके, लास्ट में लिखा है कि वी होप यू अंडरस्टैंड, हम ऐसे होप करते हैं कि आप ये मैटर समझ गए होंगे, कंसर्न के वी होप यू अंडरस्टैंड अवर कंसर्न एंड वुड काइंडली अरेंज रिलीज द अबो पेमेंट एज द अर्लीस्ट। हम समझ सकते हैं आप ये मैटर समझ गए होंगे,